अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाक सिंह 24 न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला खान। कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं रब नवाज़। सिंध में बच्चों की अगवा की बढ़ती हुई बातें आजकल गर्दिश में हैं। कराची में भी बच्चों की अगवा की वारदातों में इजाफा देखने में आ रहा है। पाक सिंह 24 न्यूज़ के रिपोर्टर रब नवाज़ ने कराची के साहली इलाके सी व्यू पर जाकर लोगों से इस बारे में राय ली कि इस खौफ के माहौल में बच्चों को पिकनिक पॉइंट्स पर लाना सही है या नहीं। इस बारे में लोगों का क्या कहना है कि वो इस खौफ के माहौल में अपने बच्चों की कैसी हिफाजत कर रहे हैं और बच्चों को घर से निकालना, घूमने फिरने के माहौल पर लाना सही है या नहीं। मज़ीद जानते हैं रब नवाज़ से, जो इस वक्त सीवी पर मौजूद लोगों से इनकी राय मालूम कर रहे हैं। मज़ीद अपडेट रहने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट paksin24news.com.pk। paksin24news के साथ मैं हूँ आपका होस्ट रब नवाज़। गिशकोरी में इस वक्त मौजूद हूँ क्लिफ्टन की पिकनिक पॉइंट जो है सीवीओ, वहाँ पर जो यहाँ पे फैमिलीज़ आई हुई हैं। यहाँ कराची शहर में जो है आए दिन किडनैपिंग का जो पिछले एक हफ़्ते से वाक़े चल रहे हैं, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है कराची शहर से, और यहाँ पे जो घूमने के लिए आए हुए फैमिलीज़ हैं, आइए मज़ीद उनका मौका आपको सुनवाएं। उसके साथ मैं हूँ आपका होस्ट अब नवाज़ गिशकोरी। नाजिन हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की पिकनिक पॉइंट सीवीओ पे, आइए मज़ीद इन बच्चों का मौका सुने जो यहाँ पे घूमने आए हैं। मैडम आपको यहाँ घूम के अच्छा लगा? नहीं जी, हम लोग पंजाब से हैं, बहुत शौक था इनको कराची आके इधर सी व्यू पे। टीवी पे रोज देख के बोलते थे, लेकिन अभी अंदर समुंदर में नहीं जा रहे क्योंकि पहली दफा इतना पानी देखा है, तो वो बच्चे थोड़े से हो रहे हैं नर्वस। बहुत बच्चे, उन्होंने बहुत इंजॉय किया। बड़ी बेटी अभी भी एमएसएस के साथ वो पानी के अंदर ही है, लेकिन ये छोटे हैं दोनों, तो थोड़ा सा माशाल्लाह। दो तीन दिन से जो है एक बच्चों की किडनैपिंग के वाकये हो रहे हैं, उस हवाले से भी आपको जो है इलम होना चाहिए कि अपने बच्चों को संभाल के रखें, अपने कंट्रोल में, जैसे बच्चे मासूम बच्चे हैं फूलों जैसे, उनकी हिफाजत करना भी पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज आ रहे हैं कि बच्चों को किडनैपिंग हो रही है, और ये मतलब कराची में भी मैंने काफ़ी सुना है, तो उस हवाले से हम तो कॉन्शियस हैं। मतलब अभी आए हैं ट्रेन में, तो बच्चों को हमने एक मिनट भी अकेले नहीं छोड़ा। लेकिन ये कि जितने भी, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स हैं इधर कराची में, भले पंजाब में, अपने बच्चों का भाई बहुत ख्याल करें, और ये वाक़यात बढ़ रहे हैं, तो खुदारा प्लीज़ हुकूमत भी सोचे कि ये जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ें, ताकि ये वाक़यात ना हों मज़ीद। शुक्रिया अंकल। सीवीओ पे घूम के आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपको मज़ा? बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, एक्सलेंट। ये रोशनी का शहर है कराची, बहुत प्यारा सिटी है और लवली, बहुत मज़ा आया। यस यस, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, आप इंजॉय करने के लिए आते हैं। यस। अच्छा अंकल, अभी जो है गुज़श्ता दो तीन दिन से I am new here. I don't know. Very good. Thank you. हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है इधर घूमने का, और हाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी बच्चों को भी लेके आए, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घूमने आए हैं। फैमिली के साथ आए हुए हैं, आप कहाँ से आए हैं? हम खैरपुर मीरत से आए हुए हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, हमें फीलिंग हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो है दो तीन दिन से कराची में बच्चों की किडनैपिंग के वाक़े हो रहे हैं, तो हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़ की तरफ से, अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनका ख्याल करें, उनको आवारा अकेला ना छोड़ें, मेहरबानी होगी। यार ये तो खुद अपने बड़े उसके हिफाजत करना चाहिए, उसको लाजमी है, जो ऐसे छोड़ेगा तो वो तो